आपके यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, आपका बाइक किसी रीज़न के वजह से स्टार्ट मतलब हो ही नहीं रहा, जैसा नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बाइक को ठंडी में किस तरीके से वार्म अप किया जाए ताकि आपका बाइक सही तरीके से चले। अब इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मैं गया था अपने विलेज में तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी था, लाइक पकड़ लो कि 13 डिग्री 12 डिग्री के आसपास। रात को जब गाड़ी खड़ी रखते थे और सुबह गाड़ी करते थे चालू, तो गाड़ी चालू नहीं होता था। आप चाहे कितना भी ये कर लो, आपका गाड़ी कितना भी अच्छा एनर्जी बैटरी वाला हो, कितना भी ज़्यादा चला हो, बैटरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, बाइक में कोई भी तकलीफ नहीं हो, पेट्रोल भी सब सही तरीके से हो, लेकिन जब आप ऐसा स्टार्ट देते हो तो ऐसा खे हे करके बंद होता है। ऐसा चीज़ ऐसा बहुत बार हुआ था। सो वैसे सिचुएशन में किस तरीके से बाइक को वार्म अप किया जाए, अभी आपको मैं इस सिस्टम या ये चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहूँगा कुछ चीज़ें। पहला चीज़ है FI वाला सिस्टम, फ्यूल इंजेक्शन। फ्यूल इंजेक्शन में बाइक को आपको वार्म अप करने में या इस चीज़ में ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि FI खुद ही फर्स्ट सेकेंड या थर्ड ट्राई में बाइक को स्टार्ट कर देगा। अब दूसरा चीज़ आता है कार्बोरेटर वाला। तो मेरा जो जूना बाइक था रेड वाला, वो कार्बोरेटर वाला था। सो उसको जब मैं विलेज में स्टार्ट करता था तो उसको थोड़ा सा स्टार्ट होने के लिए टाइम लगता था, क्योंकि वो एकदम से ठंडा हो जाता बाइक, बराबर। सो किस तरीके से सही तरीके से वार्म अप किया जाए, पहला चीज़ तो वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो किस तरीके से स्टार्ट किया जाए। तो अगर आपके पास किक है तो बेटर यूज़ किक, क्योंकि सेल्फ यूज़ करोगे तो आपका बैटरी बार बार यूज़ होगा, यूटिलाइज होगा। सो अगर आपके बाइक में किक है तो ट्राई करो किक मारने के लिए। अगर आप पहला एक दो बार ट्राई करो स्टार्ट करने के लिए, अगर स्टार्ट हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर स्टार्ट नहीं हुआ तो आपको फिर किक मारना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझ के करना पड़ेगा। एंड किस तरीके से वार्म अप करना वो भी मैं बता रहा हूँ, बट आपको मैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स दे रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। FI वाला चीज़ है तो आपके पास मोस्टली किक नहीं होगा, आपको बस सेल्फ स्टार्ट दे के ट्राई करना पड़ेगा। बट सेल्फ स्टार्ट भी बार बार नहीं देना है, अगर तीन बार से ज़्यादा दिया तो आपका बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा। सो आपको हर एक सेल्फ स्टार्ट के बीच में थोड़ा सा एक टाइम छोड़ना है, अगर वो गैप आपने नहीं छोड़ा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो लाइक पहले पकड़ लो कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल सही तरीके से, मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ, वार्म अप कितना टाइम तक करना चाहिए और क्या है वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो पकड़ लो कि मैं अभी इसको कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए न्यूट्रल में, बराबर। और अभी पकड़ लो कि एकदम ठंडा मॉर्निंग है, मेरा बाइक का इंजन एकदम ठंडा है, मैं बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ। सो सिंपल चीज़ है, मुझे बाइक को सेल्फ स्टार्ट देना है पहले इस तरीके से, बस बाइक स्टार्ट हो गया, इस तरीके से होल्ड करके रखो, बराबर। थोड़ा सा होल्ड करके रखो, लाइक 10 to 15 सेकेंड, अगर ज़्यादा ठंडा है तो आप 30 सेकेंड या उससे ज़्यादा होल्ड करके रख सकते हो, 1 मिनट तक, बराबर। बट नॉर्मली मुंबई जैसे सिटी के लिए इतना ज़्यादा नहीं है, 10 to 15 सेकेंड्स बहुत ज़्यादा हो गया। अगर आपके यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर कम हो रहा है रात को, मतलब 20 डिग्री के नीचे जा रहा है, सो आपको इस तरीके से होल्ड करके रखना है 30 सेकेंड्स के लिए, बराबर। अभी एक और चीज़, बराबर, कि मैं भी हो सकता है कि आपके यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, आपका बाइक किसी रीज़न के वजह से स्टार्ट मतलब हो ही नहीं रहा, जैसे आप स्टार्ट करने का कोशिश कर रहे हो, देखो इस तरीके से हो रहा है, ऐसा हो रहा है बार बार, बराबर। अगर आपका बाइक इस तरीके से बार बार स्टार्ट करने में फेल हो रहा है, सो आप ट्राई कर सकते हो किक मार के लिए, बराबर, या फिर एक से दूसरे सेल्फ स्टार्ट के बीच में आप थोड़ा सा टाइम दे दो 10 to 15 सेकेंड्स का। अगर आप 10 टू 15 सेकंड्स का टाइम दोगे तो क्या होगा ना कि आपका बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगा, जितना मैंने बोला। अब इसके बाद फिर से ट्राई करते हैं, बाइक स्टार्ट हो गया, बराबर, थोड़ा सा नॉर्मल लेके जाने दो, बाइक बंद हो जाएगा, ठीक है, बाइक बंद हो रहा है कोई बात नहीं, फिर उसके बाद फिर से एक बार ट्राई करो, फिर उसके बाद फिर से बाइक ऐसा बंद हो जाएगा, बराबर। तो ऐसा बाइक बार बार चालू बंद होगा, कोई बात नहीं है। एंड फिर इसके बाद थोड़ा टाइम बाद आपको उसको एक्सेलरेशन देने का कोशिश करना है, एकदम सडनली अगर आप एक्सेलरेशन दे दोगे, सो ये चीज़ समझ लेना कि बाइक का आपका इंजन है उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, बराबर। तो आप जब भी लाइक अ बाइक फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट दिया, थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा इंजन घुमा बंद हो गया, थोड़ा सा स्टार्ट हुआ इंजन घुमा बंद हो गया, इट्स ओके। फिर थर्ड स्टार्ट या फोर्थ स्टार्ट में आप थोड़ा सा एक्सेलरेट करने का कोशिश करो, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे बाइक स्टार्ट किया, बस ऐसा, इतना भी नहीं देना है, बराबर, हल्का सा इतना दो, थोड़ा ऐसा बार बार दे के छोड़ो थोड़ा टाइम, क्योंकि जब आप ऐसा दे के छोड़ोगे तो आपका जो बाइक है उसका इंजन थोड़ा वार्म अप होना चालू हो जाएगा, थोड़ा गर्म होना चालू हो जाएगा। अगर इंजन थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा सो आपका बाइक एक तरीके से पकड़ लो कि
इंजन पकड़ लेगा, एक बार गर्म हो गया पकड़ लिया फिर जल्दी से बंद नहीं होगा, ऐसा चीज़ है। एंड ये चीज़ आपको कंटिन्यूसली अगर आपका कार्बोरेटर वाला बाइक है या फिर एफआई वाला बाइक है, ये चीज़ डिपेंड करता है कि आप कितने ठंडी जगह पर रहते हो। अगर आप लाइक सिटी में रहते हो जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मली 20 डिग्री तक का है, सो 15 सेकेंड टू 20 सेकेंड मोर देन इनफ है, बाइक को नॉर्मल स्टार्ट करके रखो या फिर थोड़ा सा बाइक को नॉर्मल स्टार्ट रखने के बाद एक्सेलरेशन दो, दैट्स इट। लेकिन अगर आपका बाइक कार्बोरेटर वाला है या फिर आपके यहाँ पे 20 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जा रहा है, 15 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जा रहा है, 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जा रहा है, सो देखो 20 डिग्री के नीचे जा रहा है सो ऑफकोर्स मतलब मैं 10 टू 20 के बीच में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको वार्म अप देना पड़ेगा कम से कम 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक का। अगर आपका 10 से भी नीचे जा रहा है तो कम से कम आपके बाइक को वार्म अप करना पड़ेगा 2 से 2.5 मिनट तक का, बराबर। यस, इसमें अननेसेसरी पेट्रोल वेस्ट होता है बट इट्स ओके, क्योंकि जब भी ऐसा कोई चीज़ होते रहेगा ना, सो ये चीज़ समझ लेना कि वो थोड़ा सा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इस चीज़ को करना पड़ेगा। सो वार्म अप करने वाला चीज़ जो है वो कुछ इस तरीके से काम करता है, आपको सही तरीके से बाइक को वार्म अप करना पड़ेगा। एंड अगर आपने सही तरीके से नहीं किया तो आपका इंजन ऑयल ख़राब हो सकता है, आपका इंजन सीज हो सकता है, आपका बाइक का पेट्रोल कम हो जाएगा, माइलेज कम हो जाएगा, बराबर। और अगर एक बार बाइक प्रॉपरली वार्म अप हो जाता है तो वार्म अप होने के बाद आप अपना बाइक को सही तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए भी एक और टेक्निक है जो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, तो ट्राई करो कि लोअर गियर में एज मच एज आप बाइक चलाओ, क्योंकि अगर आप हायर गियर्स में चलाने का कोशिश करोगे तो आपका इंजन जल्दी से गर्म नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जांपल, बराबर, फॉर एग्जांपल कि मैं सिटी में हूँ और सिटी में मैं बाइक चला रहा हूँ एंड सिटी में ठंडी है, पकड़ लो 20 डिग्री के आसपास का सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, सो मैंने पकड़ लो कि 10 सेकेंड 15 सेकेंड तक बाइक के इंजन को गर्म किया, लेकिन वो इतना टाइम में इनफ हॉट नहीं होता, वो चालू रहने लायक हॉट हो जाता है बट इतना ज़्यादा भी नहीं रहेगा। सो उसके बाद मैं ट्राई करूँगा फर्स्ट एंड सेकेंड गियर में ज़्यादा टाइम तक चलाऊँ, फिर उससे इंजन गर्म हो जाएगा, फिर हम लोग इजीली जा सकते हैं। सेम वैसे ही चीज़ ज़्यादा ठंडी वाली जगह रहेगी तो वहाँ पर भी वैसे ही होगा। सो आपको बस ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है और सही तरीके से अपने बाइक के इंजन को गर्म करना है, वार्म अप करना है, क्योंकि अगर आपने सही तरीके से वार्म अप नहीं किया सो ये चीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है आपका इंजन के बारे में, तो ये थोड़ा सा आपको संभल के सही तरीके से करना पड़ेगा। अच्छा, जब आपने अगर इंजन ऑयल चेंज नहीं किया है तभी भी तकलीफ़ हो सकता है, तो आपका इंजन ऑयल थोड़ा सा चेंज कर दिया करो विंटर में, अगर हो रहा है ठंडी में तो थोड़ा सा लो ग्रेड वाला डालो जिससे आपको तकलीफ़ नहीं होगा। एक और छोटा सा चीज़ जो लोग मुझे ऑलवेज पूछते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या बाइक को फर्स्ट गियर पर स्टार्ट करना ठीक है या सेकेंड गियर पर स्टार्ट करना ठीक है या फिर न्यूट्रल में स्टार्ट करना ठीक है। इसके बारे में मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ यहाँ पर कि कुछ इस तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हो यानी कि सबसे पहला स्टार्ट होता है आपका, या फिर आपने अपने बाइक को थोड़ा टाइम पार्क करके रखा है एंड फिर आप स्टार्ट करने जा रहे हो, तो वो सिचुएशन में आपको अपने बाइक को लाइक ऑलवेज न्यूट्रल में स्टार्ट करना है, फिर इसके बाद आप फर्स्ट में कर देना, नहीं तो आपका इंजन डैमेज हो सकता है। जब लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी मेरे घर से लेकर चल के यहाँ पर आया, मेरा इंजन ऑलरेडी हीट हो चुका है एंड वैसे सिचुएशन में मैं फर्स्ट गियर पर स्टार्ट करूँगा तो कोई भी तरीके का तकलीफ नहीं होगा। सो ये चीज़ है जो थोड़ा सा आपको समझने वाला है कि आप कौन से भी टाइम पर अपने बाइक को फर्स्ट गियर या सेकेंड गियर पर नहीं कर सकते। जब आप अपने बाइक को पार्क भी करते हो तो इवन ट्राई करो कि न्यूट्रल पे रख के पार्क किया करो, ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है। आई होप सो आपको सब चीज़ें सही तरीके से समझ में आ गई हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक इट, नए हो तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। गुड लक टू यू ऑल, गॉड ब्लेस, एंड अगर आपको इसके अलावा और भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना। बाय बाय।